वहीं शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर दिए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक अभी भी बरकरार रखी है। कोर्ट ने मामले में कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ से केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। हमने दोनों पक्षों को सुना है, लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया और इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल की जमानत पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। हालांकि अब कल फिर से केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द हम करते हैं, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो जमानत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को उसको रद्द किया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता है। ये तमाम बातें कोर्ट रूम के अंदर कही गई, ये पूरी तरीके से अनुचित है। ईडी की तरफ से जो दस्तावेज रखे गए उस पर गौर सही तरीके से नहीं किया गया, ये दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया। ईडी को जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। ये दलील भी ईडी की तरफ से जो रखी गई थी उसको हाईकोर्ट ने दोहराया।